हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, इस वीडियो को हम बना रहे हैं कि CISF वाले, जी हाँ दोस्तों, CISF वाले बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम एक वीडियो में कहे थे ना कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये जो ज्वाइनिंग लेटर, ठीक, तो ज्वाइनिंग लेटर अप्रैल के फर्स्ट वीक से आने के चांसेस हैं, इसलिए हम कहे थे कि जो भी हैं वेरिफिकेशन, जो डोजियर का वेरीफाई वेरीफाई हो रहा है, आप लोग जानते हैं, पहले से हम बता चुके हैं कि अगर जो भी कमी था आपके फाइल में तो वो सब पूर्ति कर रहे हैं आपको ईमेल आईडी के थ्रू भेज करके, ऐसे वैसे जो भी हो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज करके। लेकिन अब किसी का नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब लास्ट डेट था 25 मार्च तक। ये सब आपको मालूम होगा, बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि हाँ हमें मालूम था ये वो, तो 25 मार्च तक डेट था, उसके बाद से अब किसी को नहीं आ रहा है। तो 25 मार्च के बाद से 10 दिन का टाइम लिए थे कि एक जगह बात भी हुआ था कि एक हेड ऑफिस में, हेड क्वार्टर में बात भी हुआ था, तो वो भी कहे थे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो 25 से 5 तक वो लोग 10 दिन का मतलब ये कहे थे ना कि 10 दिन में आपका कागज़ होगा, सब ये हो जाएगा, ज्वाइनिंग क्रिएट होने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, 5 तारीख मतलब 7 तारीख तक तो फर्स्ट वीक पड़ता है ना, तो 5 तारीख तक आप लोग शांति रहिए, उसके बाद से आ जाएगा। हाँ, 1-2 दिन इधर उधर होता है। देखिए, हम भी बहुत सारे लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि लोग कमेंट करेंगे कि आप कहे थे कि फर्स्ट वीक तो भाई 1 तारीख को भी हो जाएगा, परसों 1 अप्रैल को भी हो जाएगा, तो इसलिए हम बना रहे हैं कि देखिए वो एक्सेप्टेड था। ठीक, कि एक्सपेक्टेड ये था कि आशा किया जाता है कि हाँ यहाँ तक आ जाएगा, इस डेट तक आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कन्फर्म नहीं था, 2-4 दिन इधर उधर होगा। दोस्तों आप लोग 5 तारीख तक धैर्य बना कर रखें, उसके बाद से इंडिया में किसी न किसी स्टेट को आपको देखने को मिल सकता है। बात समझिए, आपको किसी न किसी स्टेट को देखने को मिल सकता है, या आपकी ईमेल आईडी पर भी ज्वाइनिंग आ सकती है। अब ज़्यादा लेट नहीं करेगा ये, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में वो जो नोटिस, ये क्या कहते हैं, मई में जो नोटिस जारी हुआ था कि ट्रेनिंग होगा 17 मई से, तो वो सही नोटिस है। ऐसे तो कई सेंटरों बता नहीं रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था, शायद आप लोग भी पूछे होंगे। तो और एक लड़का ने ऐसा बता रहा था हमसे कि सर वो कह रहे हैं कि मई में, तो मई में नहीं आएगा दोस्तों ज्वाइनिंग, आपके मिड अप्रैल तक आपके हाथ में आ जाएगा, वहाँ से पोस्ट ऑफिस के द्वारा फर्स्ट वीक से छोड़ना वो लोग मतलब सेंड करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन करने की आप लोग की बात नहीं है दोस्त, सेफ वाले थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, बेस्ट ऑफ लक। जब इतना हो गया है तो सब होगा आपका, अपना मेडिकली फिट रहिए दोस्त, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना जो कागज़ वगज है सब ठीक ठाक करके रखिए, जो भी है जो आपको कमी लगता है उसको पूरा करते रहिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हद से हद आप लोग अब घर पर रहेंगे तो 15 से 20 दिन, आशा किया जाता है कि 15 से 20 दिन आप लोग घर पर रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे घर पर, उसके बाद से वो लोग बुला ही लेंगे। ये नहीं है कि 2 बैच 3 बैच बना करके बुलाएंगे, एक ही बैच में कोई ज़्यादा सीट नहीं है CISF का, जब CRPF वालों का एक ही साथ हम बुला लिए तो आप लोग को भी बुला लिया लेंगे, क्योंकि CRPF का बहुत ज़्यादा सीट था। ठीक है, तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नहीं था दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा बताने के लिए हम समझे।